गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज सरोज. ये स्टूडेंट, वी आर जस्ट डूइंग द चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूसली. उसके बाद हम पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. अब देखिए, आज आपको करना है ये तीन जो है क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है आपका राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो वर्ड्स दिए हैं आपके 7 हैं, इनके आपको सिनोनिम्स लिखने हैं. तो ये मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं. सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल का मतलब है एंजल या ट्रैप. और ग्लैंस का देखिए, रिबॉर्न, अपराइट, ऑनेस्ट, सिंबलाइज, चिनो, ट्रम्प, विन, अपीरियंस, अराइवल, गो का है ब्लड. सो ये आपके सिनोनिम्स मैंने आपके इसमें लिखे हुए हैं. आपको ये फेयर कॉपी में लिखने हैं. अब भी एक्सरसाइज देखिए, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब जो ये वर्ड्स आपके 7 दिए हुए हैं, इनमें आपको एंटोनिम्स लिखे हैं. देन द थिंग आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू यू. एज यूजुअल यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर फेयर कॉपी. और आप कोशिश कर सकते हैं कि इनके और भी जो है साइड में एक के अलावा आप दूसरा भी लिख सकते हैं. देखिए इसमें कॉलम नंबर 1, टेरिबली का होगा लिटिल, हिन का है फॉर्न, और सैलेंडर का है प्लम्प या फिर फैट, मॉर्टल्स का है वेंटिल, एंड अगली का है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और 6 है सेवरल का मैनी, और 7 सिमिलर, डिफरेंट. तो मैंने इसमें आपको एक एक वर्ड ही दिए हुए हैं. यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट राइट इट देन मोर देन वन वर्ड्स. सो राइट इट इन योर फेयर कॉपी एंड आल्सो ट्राई टू लर्न इट आल्सो. नाउ सी, देखिए सी में क्या करना है आपको, लुक फॉर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. वर्ड्स के आपको मीनिंग लिखने हैं इन द डिक्शनरी एंड यूज दैम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. अब बच्चों क्या किया है मैंने आपको, आपको जो है इसमें इन सभी वर्ड्स के जो 7 वर्ड्स हैं इनके मैंने आपको मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. और आई जस्ट नीड दैट यू शुड ट्राई टू राइट द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आपको इनके सेंटेंस अपने आप से ही बनाने की कोशिश करनी है. फैंटास्टिक का मतलब होता है बहुत खूब. यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. नंबर 2 देखिए, फोलकेरी, इसका मतलब होता है लोक साहित्य. यानी कि इन द फोलकेरी स्टोरी सो मैनी स्टोरीज यू कैन फाइंड आउट रिगार्डिंग द फेरीज एंड द, इसमें जो है आप इस तरह के आप उसमें लिख सकते हो. अब फ्लैश है, तो इसमें क्या है, फ्लैश का है तो मास है द, तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो है फॉर देर आर सो मैनी पर्सन दोज हु जस्ट ईट फ्लैश दैट इज़ नॉट गुड फॉर सो दैट थिंग. तो आप अपनी तरफ से इसको कुछ भी बना करके फ्लैश जिसमें आपका वर्ड ये यूज़ हो, यू कैन जस्ट मेक ऑफ योर ओन जो है. तो अब है सरपेंट, तो इसमें सांप है या टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसमें आप दोनों तरह का बता सकते हो. जैसे इसमें हेल्प ले सकते हो कि सांप जो है वो सरपेंट है नहीं, ऑलवेज जस्ट स्नेक ऑलवेज मूव सरपेंट के, तो ये भी है सरपेंट की, तो ये टेढ़ा मेढ़ा वो घूमता है. नंबर 5 देखिए, ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना. खजाना होता है इन एशियंट डेज दैट किंग यूज टू दिस हाइड द ट्रेजर इन द दिस टेम्पल और अंडरग्राउंड. यानी कि वो तो या तो टेम्पल में अपना खजाना छुपाते थे या फिर अंडरग्राउंड में. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक ऑफ योर ओन. इस तरह के सेंटेंस आप अपना बना सकते हैं. अब ये ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें, यानी कि वाइल्ड जस्ट इन द वाइल्ड वॉकिंग इन ड्यू ड्रॉप्स इज गुड फॉर हेल्थ. अगर हम जो है पैरों से अपने ओस की बूंदों पर अगर चलते, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ. तो इस तरह से, या फिर वेन एवर वी सी द ड्यू ड्रॉप्स इट, वेन द सन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्यू ड्रॉप्स इट शाइन्स. यानी कि ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती है. तो इस तरह से भी आप इसका जो सेंटेंस बना सकते हो. अब है कोड़ी, तो इसका है तिकोना कपड़ा. तो तिकोना कपड़ा का मतलब यह है कि तीन कपड़े के तीन टुकड़े. तो हम ये भी कह सकते हैं द होली जो फ्लैग्स जो होते हैं, होली फ्लैग्स जो होते हैं, जैसे हम हमारा जो माता रानी की जो हम
फ्लैग्स होते हैं या हनुमान जी के फ्लैग्स होते हैं, तो ये आपको हमेशा जो है तिकोने मिलेंगे, तो आप इसका भी एक बना सकते हैं। तो होली फ्लैग्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड, तो ये तिकोने कपड़े से बनता है। तो इस तरह से जो है आपको ये जो है अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। मैंने सेंटेंस इसलिए नहीं बनाया बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई टू डू द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, आप अपनी तरफ से जो है सेंटेंस बना के लिखें। सो मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग दे दिया है, तो सेम आपको करना है और आप इसको लर्न भी कीजिएगा। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये लाइक करना है, शेयर करना है, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। सो स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।